गाना बंद कर दो कुलीन भाई। ये देखो 50 वाला शाहरुख खान जलवा है हमारा। तो चल रहे हैं रास्तों को आनंद लेते हुए, और ये सामने हैगा एक टोल छोटा सा जो कि उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए। क्या रोक रहे गए? अच्छा अच्छा, नहीं हमें नहीं रोक रहा। तो का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों का टोल लगता है और बाइक्स वगैरह का कोई टोल नहीं लगता यहाँ पे। तो हमने मतलब उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं, मतलब पोंटा में आ गए हैं, और हम अब हमें यहाँ से जाना है अपनी लोकेशन पे, जो कि हमारी जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ब्लॉग में। तो गाइस पोंटा में तो पहुंच चुके हैं, और हमें एक भाई था हमारा, उसने हमें बताया था कि एक बहुत अच्छी लोकेशन है पोंटा से 30 किलोमीटर आगे कांठी मिश्वा, मतलब चढ़ाई है। तो हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। भाई ने कहा था एक्सप्लोर करना, अपनी ऑडियंस को दिखाना, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो हम उस लोकेशन पर जा रहे हैं। हमने गूगल मैप पर देख लिया है ये रास्ता जा रहा है कांठी मिश्वा की तरफ, मतलब चढ़ाई है ये सारी, मतलब टोटली चढ़ाई है कांठी मिश्वा तक। मतलब अभी आपको आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तो एंट्री करी है हमने, आगे चलेंगे तो रास्ते दिखाएंगे कैसे हैं यहाँ के, क्योंकि उस भाई ने बताया था कि चढ़ाई है, डायरेक्ट सीधी चढ़ाई है। तो देखते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ पे लास्ट तक, पूरा व्लॉग देखना ताकि आपको पता लग सके कि कैसे रास्ते हैं और व्यू कैसा है और आनंद कितना है इन रास्तों का। इनसे सावधान रहना पड़ता है ऐसे ऐसों से। तो देखो बड़ी धूल है, मतलब रास्ता भी कच्चा है, ये टूटा हुआ रास्ता है, और सामने लगा हुआ है बोर्ड, उस पर देखते हैं हम। यहाँ पे कहीं कांठी मिश्वा का नाम नहीं है। तो चलो चल रहे हैं हम तो। और अभी मैंने ना हेलमेट का मतलब शीशा डाउन कर लिया है, तो मेरी आवाज़ मेरी गूंज रही होगी क्योंकि धूल बड़ी उड़ रही थी, इसलिए मैंने बंद कर लिया। क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, शीशा खोल दे रहा हूँ ताकि आपको जो वादियों की गूंज है वो भी सुनाई दे, तो इसीलिए। बट अभी मैंने हेलमेट का मिरर डाउन कर लिया क्योंकि बड़ी धूल थी। तो वापसी देखते हैं क्या होता है, और मज़े लीजिए बस। तो गाइस आप चेक कर सकते हो सामने कितना ही खूबसूरत पहाड़ है, और व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है। और ये मतलब रोड भी सारा टूटा हुआ है, ऑफ रोड पैच है। तो सामने क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मुझे तो भाई आपको पता है क्या बोलते हैं इसे? अरे देखो ये तो ट्रॉली लगी हुई यहाँ पे, मतलब पहले क्रॉसिंग होती होगी यहाँ से। और ये देखो ऊपर हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर ये अब आ चुका है ऑफ रोड। ये देखो यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये पहाड़ अभी ताज़ा ताज़ा कटा है और यहाँ पे रास्ता बना है। और ये देखो ये काम चल रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वर्क। रास्ता नया है हमारे लिए, पहली बार आए हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ट्रक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओह चलो चलो फाइनली दिखा तो सही, सामने एक बाइक जा रही है, मतलब लोग भी जा सकते हैं इस पर। ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, अच्छी लोकेशन है। मतलब पहाड़ काट काट के गवर्नमेंट रास्ता बना रही है, और हम इन रास्तों को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। और लोकेशन देखो आप, ये कितनी अच्छी है। ये देख लो आप कितने कंजस्टेड रास्ते हैं, देखो स्वैग है लोगों को, खड़े आपस में रोड में बातें कर रहे हैं। करो जाओ जिसे जो करना, हम तो बातें करेंगे फिर ही चलेंगे। अच्छे आदमी है यार ये। और मैं इसको करता हूँ धीरे से ओवरटेक, क्योंकि आगे रास्ता बड़ा। ये देखो कितना छोटा रास्ता है, एक टाइम में एक ही चीज़ जा सकती है। और ये ऑफ रोड का बैच ख़त्म होते हुए और ये पक्का रोड आते हुए, रास्ते बड़े अच्छे हैं भाई। भाई सरे वाह क्या लोकेशन है। अरे बाबा ने देखे, मुझे लगा पूरा पूरा पहाड़ ढह गया नीचे। तो गाइस देखिए कितनी ही खूबसूरत जगह है। जो भी आसपास रहता है यहाँ पे, ये पोंटे से 30 किलोमीटर आगे है कांटी मिश्वा के नाम से। मतलब हम भी पहली बार जा रहे हैं, बाकी हम आपको बताते हैं। अभी तक तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है रास्ते का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। ये देखो बड़ा ब्यूटी, क्या ब्यूटी। और वो देखो नीचे घर भी हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आदमी तो पंछी है, जैसे कि अब हम देखो सुबह जगाद रही थे और अब कहाँ पहाड़ों की गोदों में। तो लेट्स गो, चलो अबू भाई। तो ये देखिए पुराने पुल और पुराने लोग और पुराने पुराने पहाड़ और रास्ते। अमजद भाई क्या कहना चाहोगे आप रास्तों के बारे में? हैं ये लगा लो कितना ठीक प्यारा नज़ारा है ना। वैसे माइक अंदर हेलमेट के अंदर है, आपको आवाज़ आपकी आवाज़ प्रॉपर जा नहीं रही होगी। मैं भी आज बोल रहा हूँ देखो ट्रक आ गया फिर से, मतलब यहाँ तो ये चीज़ लगी रहेगी, मतलब संभल के चलना पड़ेगा। ये देखो कितना सा रह गया रास्ता, मतलब लोकेशन अच्छी है, रास्ते ज़बरदस्त हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये देखो आप यहाँ से ऑफ रोड सारा, और ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़। यहाँ तक मेरा आइडिया इन्होंने रोड को काटा है और रोड बड़ा किया है, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए सावधान ध्यान से चले। और बड़ा लोकेशन मैन अमजद भाई, ओए होए क्या लोकेशन है, मतलब कुछ कुछ लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है, कुछ कुछ आ रही है, बाकी लद्दाख तो लद्दाख है। देखो अरे बसें भी जा रही इधर, तो गवर्नमेंट तो कुछ तो हो गई जब इधर गवर्नमेंट बसें जा रही यार। कैसे हो आप सब? तो अब कर रहा है तुम्हारा अपना भाई अमजद मोटो व्लॉगिंग, मतलब एक अलग सी ही खुशी आ रही है करने में। मोटो व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ, तो कुछ गलती कोताही हो तो माफ़ करना, और कुछ व्यू में दिक्कत आए तो एडजस्ट कर लेना अपने भाई की। हम पहली बार इस रोड पे आ रहे हैं, तो थोड़ा हमें रास्ता भी नहीं पता है, बाकी हम जैसे आए हैं ना, मतलब एक नंबर लोकेशन अब तक हमें मिली है। उस हमारे सब्सक्राइबर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने हमें जगह बताई, मतलब ये हमारे से छुट्टी हुई थी, हमें नहीं पता था इसके बारे में, बट उसने हमें सजेस्ट किया तो हम इसे एक्सप्लोर करने आए हैं। और ये लगा लो अब तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है रास्ते का, रोड का, एक नंबर, मतलब मज़ा आ गया है जिसे बोलते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ ये ऑडियो मैं बाद में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके अमजद भाई जो द मोटो व्लॉगर हैं, मतलब हैं नहीं अभी बन रहे हैं, तो उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने माइक गिरा दिया और उनको पता भी नहीं चला कि मैं माइक गिरा चुका हूँ। और ये जो सारी वीडियो बनी है ये विदाउट माइक बनी है, जो आगे आप देखोगे, क्योंकि लोकेशन ज़बरदस्त आपको दिखानी थी। तो आप लोकेशन एंजॉय कीजिए और व्यू को एंजॉय कीजिए और ऑडियो को अवॉइड कीजिए। आपके अमजद भैया की ऑडियो जो आपको सुनने को मिलती है उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? तो आप इसको मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए। देखो एक निक्का सा झरना आता हुआ, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो मतलब छोटा सा है और कहाँ से आ रहा है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। वाओ! और ये मतलब देखो पहाड़ बादलों से ढके हुए, ए व्हाट अ फैम यार, बहुत खूबसूरत। ये वाटरफॉल ऊपर से आता हुआ और ये नीचे जा रहा है ये वाटरफॉल, व्हाट अ ब्यूटी। मतलब हम अपनी लोकेशन पे जाने में से लेट हो रहे हैं, हमारी राइड 100 किलोमीटर की थी, बट हम देखो कब से चले हुए हैं और टाइम मेरे ख्याल से 4 बज गए, हम आराम से चल रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। ऊपर वाले ने ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ बना रखी है कि हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो आप बहुत बड़ा शुक्र है कि हम इतना घूम रहे हैं और वो हमें घुमा रहे हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं होता, और आप भाइयों की सपोर्ट है। तो गाइज़ ये नीचे जा रहे हैं हम 2-3 किलोमीटर, यहाँ पे झरना है एक, पहुँच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। और ये जो मतलब ये जो सिर पे ये पहन रखा है इसे इग्नोर मारना, क्योंकि एक्चुअली क्या बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं, प्यास लग गई थी और अब्बू भाई पानी पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पिछले ट्रिप पे भी हमारे से एक गलती हुई थी कि हमने खाना टाइम से नहीं खाया था, और इस बार भी यही गलती हो गई। अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और आसपास कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ और ये बहुत ही, ये लगा लो, ये पानी इतना फ्रेश है, पूछो ना बात, क्या आरओ का पानी होगा। इसको बोलते हैं डिस्को। ये देखो डिस्को कर रहे हैं, मतलब लोकेशन डिस्को करा देती है, इतनी बढ़िया लोकेशन है। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। ये पानी जा रहा है, ये झरना, मतलब पता ही नहीं कहाँ से आ रहा होगा, इसका एंड नहीं हम कर सकते, पता नहीं कहाँ पे होगा, अभी इतना गुस्सा नहीं खाते। बाकी ये देखो कितनी तेज पानी चल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा वाटरफॉल है यार, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात। ये देख सकते हो आप, एक बार कैमरा घुमा दे सारे में, मतलब यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात है, यहाँ पे सिर्फ कौन पहुँचा है, नजारा है, हम है और सुकून है। हम ना वहाँ से आए हैं, वो आपको देख रहे हो जेसीबी खड़ी है और उसके पास एक छोटी सी हट बनी हुई है, उन्होंने बताया कि नीचे चले जाओ, यहीं पे है जो भी है। मिस यू दोस्तों की महफिल, अपने सारे भाई भाई अगर आप आते तो बस पूछो ना बात, नज़ारा आ रखा है। ये धो रहा मुँह, इस पे जम गए थे धूल। गाइस ये हो रही है ट्रैकिंग, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, बाकी कोई इतनी लंबी छोटी ट्रैकिंग है नहीं। चलो मज़ा बहुत आया, स्वाद सबसे बड़ी बात है, मतलब इतनी हसीन चीज़ें देखने को मिली हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एक्चुअली क्या है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी के लिए, घर के लिए, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई होम स्टे है और ना ही कोई होटल है, ढाबा भी है तो सिर्फ मतलब पीछे था, देखते हैं, वैसे कह रहे थे भाई चाय चाय है, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया है, रास्ता आपने देखा ही है कैसा है, तो टाइम से निकलेंगे तभी पहुंचेंगे। तो अगर स्टे होता है यहाँ पे, होम स्टे होता है होटल, तो ज़रूर स्टे करते, बट अब जाना पड़ेगा, तो अब रास्ते का तो देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो ज़रूर, नहीं तो बस खाना खाना है, ढाबे पे जाके मिलते हैं आपसे। ये अब्बू भाई आके यहाँ पे कैसे बैठ गए और सुकून का आनंद उठाते हुए। लोकेशन से हम जा रहे हैं अब, धन्यवाद आपका उसके बाद होगा जब इस वीडियो को आप प्यार दोगे, वैसे तो आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बने रहेगा, बाकी आप लोग हमें इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई है हमें। बाकी ये देखो एक बार और दर्शन कर लो इस व्यू के, इस नज़ारे के। और अब्बू भाई कह रहे हैं क्या लग रही भूख, पता क्या, एक्चुअली हमें लोकेशन का पता नहीं होता ना, तो हम ऐसे ही आ जाते हैं मुँह उठा के गधों की तरह, क्योंकि हमें सोचना चाहिए यार, खाना वाना कहीं भी नहीं खाया, दोपहर का घर से भी नहीं खा के चले थे, खाया नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और सबसे पहले खाना खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली हमें नॉलेज भी नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ढाबे डुब्बे, हमें ऐसा कुछ पता नहीं था। यहाँ कोई मतलब ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ कोई घूमने नहीं आता, ये तो हमें बताया था कि वादियाँ अच्छी हैं, व्यू अच्छा है, तो हम आ गए। बाकी अब सीधा ढाबे में मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये देखिए पहाड़ों में मतलब कंस्ट्रक्शन करना कितना मुश्किल होता है, और ये रखे इस मतलब क्या हिसाब बना रखा है। इस ट्रैली में जा रहा है रेता बजरी, आप देख सकते हो, इसमें रेता बजरी जा रहा है, और मतलब पता नहीं कहाँ तक लाइन होगी, ये जा रही है लाइन, और वो आगे भी आप देख सकते हैं ट्रैली है। मतलब ये सब हमारे लिए किया जाता है कि हम अच्छे रोड पे चल सकें, अच्छे से घूम सकें, तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए गाइस। चलो लेट्स गो। तो मतलब ऐसा कुछ हमें ये दिखा, तो हमने कहा कि इनकी मेहनत देखो तो उसको दिखाना चाहिए, तो इसलिए रुके थे। बाकी चलते हैं आप। जाते हुए उस पुल से आए थे हम, और जाते हुए इससे जा रहे हैं। टोटल लोहे का बना है, आप आवाज़ देख सकते हो, लोहे का बना है, और वो और देखो मतलब कोई छोड़ नहीं है बीच में। तो गाइस फाइनली ढाबा मिल चुका है 50 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ पे देखते हैं क्या है, बस खा ही लेते हैं जो भी मिलेगा। अब बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। तो ये आ चुका है अपना खाना। आपको भाई कैसा लग रहा है खाना देख के? खाना तो ऐसा लग रहा कोई बिछड़ी हुई चीज मिल गई हो। तो इतनी खुशी मुझे। अब खाना खा गए, मिलेंगे आपसे। तो गाइस ये कुछ अलग व्यू है। फुल देखो ये कितना प्यारा जो ताशा सिर्फ बाइक आ जा सकती है। और इधर भी पानी आए हैं। रिजॉर्ट बहुत अच्छा है। तो हम आए थे तो फोटे पहुँच गए थे, तो हमने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हमने एंट्री कर ली है रिवर व्यू रिजॉर्ट में। एक्चुअली पोंटे आए थे, खाना खाया तो अपना मन बन गया, मैंने कहा चलो वहाँ भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा सा है, मैं पूरा टूर करा देता हूँ आपको एक बार। सुबह के टायर्ड तो थे ही और मतलब राइड करके हालत भी बुरी हो चुकी है, तो सोचा स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं। तो ये उतर चुके हैं पूल में। शाम के बज रहे, क्या टाइम हो रहा? ख्याल से 6 बज रहे होंगे। हाँ 6 बज रहे हैं। एक्चुअली हम वहाँ से आए थे ऊपर से, तो यहाँ पे आ गए और अब यहाँ स्विमिंग में मजे चल रहे हैं। फुल ठंड भी लग रही है। वापस भी जाना है, वापस चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लग रहे हैं अंडर वाटर सबसे ज़्यादा, जो अंडर वाटर पर ज़्यादा रहेगा वो जीतेगा और हारेगा। अब ये ना कह रहा है कि इसके बदले कोई चैलेंज करें, हम कोई चैलेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप देखना और आप डिसाइड करना, हम कैमरे की नज़र में ही जाएंगे। 1 2 3 गो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जीत गया मैं, मैं जीत गया ना। अभी देख कमेंट में बता देना। अरे साले जो माफ करना, मैं जो तो ये स्विमिंग कर रहे हैं अब भाई। तो गाइस 7 बज चुके हैं और अब स्विमिंग पूल से निकले हम, जा रहे हैं थोड़ी चाय पीते हैं। टी टाइम है हमारा और तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या, बस वही कपड़े भाई, अब तो घर ही। हाँ तो जाना भाई ने कपड़े चेंज करे हैं, बाकी अब चाय चूर पीते हैं। तो गाइस मैं आपको क्या था ना, इसका टूर देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे हॉल भी बने हुए हैं, वहाँ पे बर्थडे पार्टी है तो इस करके मैं वहाँ जा नहीं सकता। और एक ये ऐसे हट है, आप ऐसे हट भी ले सकते हो, ये डेकोरेट हो जाएगी। यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही है, वो भी बुक है। और इधर भी पार्टी चल रही है। तो स्विमिंग पूल तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये इनकी किचन है, बड़ी हाइजीनिक किचन है। बाकी अब आया हुआ हूँ, पहले बाकी उस टाइम कुछ अलग टेस्ट था। मैंने पूछा कुछ सुधार किया है तो कह रहे हैं हाँ करा है। तो मैं खा के बताता हूँ आपको। कुछ ये है जगह, मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी ये सब मतलब लोकेशन एक नंबर है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो आओ और इन्जॉय करो।